नमस्कार दोस्तों, आज दिल बहुत दुखी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बहुत दुख भरा समाचार मुझे मिला। अक्सर मैं प्रयागराज में क्या हो रहा है उसे जानने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं खुद प्रयागराज से हूँ। एक महिला ने जो मुट्ठीगंज में रहती थी उसने आत्महत्या कर ली। बेटी की आत्महत्या से गुस्साए हुए जो मायके वाले थे वो घर में आए और उन्होंने पूरे घर में आग लगा दी। वहाँ बहुत सारी प्लाई पड़ी थी, इसकी वजह से आग ने भीषण रूप धर लिया। इस आग लगने की वजह से बूढ़े माता पिता मर गए। आखिर माता पिता का क्या कसूर था? मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है जिसकी बेटी मर गई। उसका उनको उस पता लगाना था, इन्वेस्टिगेशन होना था, उस पे सारी बातें स्पष्ट आने के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या हम उत्तेजना में आकर के, गुस्से में आके माँ बाप को मार डालेंगे? वो माँ बाप जिन्होंने बहुत प्यार से बच्चे को पढ़ाया होता है, उनका लालन पोषण किया होता है, उनकी शादियां की जाती हैं, क्या इस दिन देखने के लिए? ये बहुत गलत हुआ। मैंने पुलिस वालों से वहां बात करी है, आगे फैमिली के साथ जोड़ करके और भी अपडेट्स आपको दूंगी। लेकिन जो भी हुआ है बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी इन्वेस्टिगेशन होगा तो बाकी की बातें पता चलेंगी, लेकिन माता पिता वापस नहीं आएंगे। ये समाज किस ओर जा रहा है, बड़ा प्रश्न है।